हेलो एवरीवन, दिस इज़ द फोर्थ लेक्चर ऑफ मैथ्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इफ़ पी अपॉन क्यू, आर अपॉन एस एंड टी अपॉन यू आर थ्री रेशनल नंबर्स, देन पी अपॉन क्यू ब्रैकेट आर अपॉन एस प्लस टी अपॉन यू इक्वल्स टू, पहले पी का इससे मल्टीप्लाई किया पी अपॉन क्यू इंटू आर अपॉन एस, फिर पी का इससे कर दिया पी अपॉन क्यू इंटू टी अपॉन यू। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, तो पहले इसको इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर इसको इसके साथ प्लस लगा कर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल देख लेते हैं इसका एक इलस्ट्रेशन। 1/2, 3/5 एंड 7/9, दीज आर द थ्री रेशनल नंबर्स। फर्स्ट 1/2 ब्रैकेट 3/5 प्लस 7/9, तो हमने पहले से जनरली इधर सॉल्व किया, डायरेक्ट सॉल्व किया, तो 1/2 एज इट इज़ रखा इनटू, इन दोनों को एलसीएम से सॉल्व किया तो इन दोनों का एलसीएम आया 45। एलसीएम आ गया 45, तो 5 को इससे डिवाइड किया, 45 को 5 से 9 टाइम्स और 9 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27, और यहाँ 9 का डिवाइड 45 में 5 टाइम्स से आएगा, 5 7 35। अब इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 62/45। 2 से ये कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे क्रॉस हो जाते हैं, 2 से ये 31 टाइम्स, तो 31/45। इसे अगर हमने सॉल्व किया इधर तो ये हमारा रिजल्ट आया 31/45। अब हमने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया, तो पहले 1/2 का मल्टीप्लाई 3/5 से, मैंने इसका इससे किया, प्लस साइन है तो बीच में प्लस लगा दिया, फिर 1/2 का मल्टीप्लाई 7/9 से किया। अब देखते हैं दोनों से मल्टीप्लाई करके क्या यही सेम रिजल्ट आएगा, तो हमने इसका इससे मल्टीप्लाई किया, ऊपर का ऊपर 1 3 1 3 एंड 2 5 10, ऐसे ही 1 7 7 2 9 18, दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आया 18 और 10 का 90, 10 का इसमें डिवाइड दिया 9 टाइम्स किया और 9 का ऊपर 3 में मल्टीप्लाई किया तो 3 9 27, 8 का 90 में 5 टाइम्स आएगा मल्टी 5 टाइम्स डिवाइड गया तो 5 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, दोनों को ऐड किया 62/90, 2 से कैंसिल किया ये 31 टाइम्स और ये 45 टाइम्स, तो दोनों से ही रिजल्ट आया 31/45, तो ये भी सेम है इसके, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इफ़ अ रेशनल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 1, वी गेट द रेशनल नंबर इटसेल्फ एज द प्रोडक्ट। अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें वही रेशनल नंबर मिलता है, 3/5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट भी हमारा वही आया, इसका मतलब प्रोडक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज 1, ईच इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर। जब दो ऐसे रेशनल नंबरों का मल्टीप्लाई किया जाए जिससे उनका प्रोडक्ट क्या आए, 1 आए, तो एक को दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। तो 2/9 में ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो 9/2 मतलब उसके जस्ट उल्टे का करना पड़ेगा, रिवर्स का, तो हमें 1 मिलेगा, 9 से 9 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, रिजल्ट हमारा क्या आ गया, 1। तो 2/9 एंड 9/2 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये एक दूसरे क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं ऑफ ईच अदर। मतलब 2/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाए तो 9/2 हो गया, 9/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाए तो 2/9 हो गया, एक दूसरे के अपोजिट कहिए या इनवर्स कहिए। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज ऑल्सो कॉल्ड द रेसिप्रोकल, इसे हम रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं। 2/9 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 9/2 होगा, 9/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/9 होगा। इट मीन्स अगर दोनों का मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारा 1 होना चाहिए। और भी अगर हम देखते हैं जैसे 5/7, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 7/5 होगा, बस आपको उल्टा करना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। ओके, थैंक यू।